रिसिप टॉपिक है जिसकी फंक्शन की क्या है F6। रिसिप मतलब क्या? एक नॉर्मल एकदम कॉमन क्या रिसिप मतलब क्या? कोई भी चीज़ खरीदते तो उसकी एक रिसिप नहीं, पैसा आना। रिसिप मतलब पैसे का आना। तो पैसा अभी ये कैसा आएगा? कोई इनकम हो रही है अपने, जैसा मैंने यहाँ ट्रांजेक्शन लिया, अब मेरे को क्या हुई? फीस रिसीव हुई। कितने की? 5,000 रुपये कैश में रिसीव हुई। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ? फीस रिसीव हुई 8,000 बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, मतलब किसी ने मेरे बैंक में डाल दिया। लोन रिसीव हुआ, मैंने क्या किया, मेरे को ज़रूरत थी पैसों की, तो मेरा एक दोस्त है फ्रेंड, तो मैंने उससे क्या करा, लोन लिया। रिजवान बोल के मेरा फ्रेंड है, तो उससे उनने मेरे बैंक में डाल दिया। ठीक है, रिसेल करे अपन ने कैश में, किसको करे, राम को। तो वो भी सेल करूँगा अगर कैश में, तो कैश मेरे पास आने वाला है, इसके कैश आना उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। ठीक है, इसकी क्या किया मैंने, जर्नल एंट्री यहाँ पर पास किया। पहली क्या है ट्रांजेक्शन? फीस रिसीव है। ये पहला फर्स्ट ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री देख रहे हैं अपन, ये फर्स्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है उसकी जनरल एंट्री देख रहे हैं अपन। और डिस्काउंट रिसीव? नहीं नहीं, डिस्काउंट रिसीव उसमें पैसा नहीं आता। डिस्काउंट रिसीव में पैसा नहीं आता हा? मतलब सिर्फ जो कैश जो आ रहा है उसको रिसीव बोलते हैं, उसको रिसीव बोलते हैं। ठीक है, अभी फीस रिसीव हुआ तो ये मैंने क्या, ये अपना वो है, अपना लेजर, अपना पूरा फॉर्मेट है, डेट है, फंक्शन की है, पर्टिकुलर से अंडर हेड है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो पहला क्या ट्रांजेक्शन है, फीस रिसीव हुई कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट करे अपन ने, और फीस रिसीव क्या है अपनी, इनकम है, इनकम। तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, और फीस रिसीव जो है इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। कैश अब मैं एक एक सिस्टमेटिक सीखेंगे। डेट की क्या है फंक्शन की? F2। डेट की फंक्शन की क्या रहती? F2। ऐसी सिस्टमेटिक करना है। फंक्शन की क्या रहती है रिसीव की? F6। कैश अकाउंट डेबिट टू फीस रिसीव। अगर किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा तो मैंने ये डिटेल में एक ले, मतलब बेसिक्स ऑफ अकाउंट के क्या करा है प्ले लिस्ट में पूरे डाल दिया हूँ, क्या ये डेबिट कैसा हो रहा, क्रेडिट क्यों हो रहा, डेबिट हुआ तो कौन सा रूल लग रहा, क्रेडिट हुआ तो कौन सा रूल लग रहा, ये सब मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करे हुआ है। ठीक है, कैश को क्या करते अपन, बाय डिफॉल्ट रहता टैली में ही, तो इसको क्या करना पड़ता, खाली सेलेक्ट करना पड़ता। अब ये जो फीस रिसीव है, ये जो दिख रहा है ना फीस रिसीव, इसको एल प्लस सी है, इसको क्रिएट करना पड़ता, जो नया लेजर आया ना टैली में उसको क्रिएट करते। तो इसको अंडर हेड क्या देंगे अपन, डायरेक्ट इनकम दे देंगे। क्या इनकम, क्या हेड देंगे इसको, डायरेक्ट इनकम। क्यों? क्योंकि ये मेरी डायरेक्ट इनकम है, मेन इनकम है मेरी ये। अब डेबिट में कितने की रिसीव हुई थी, ये देखो ये ट्रांजेक्शन, 5,000 पहला, 5,000 मेरे को रिसीव हुई, तो यहाँ मैंने डेबिट में 5,000 लिखा, क्रेडिट में कितने लिखूँगा, 5,000। ये हो गई मेरी पहली एंट्री। ठीक है, वन बाय वन वैसी सिस्टमेटिक, इसका मैं प्रैक्टिकल भी करा रहा हूँ। अब सेकंड एंट्री, सेकंड में क्या हुआ, फीस रिसीव हुई लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डाल दिया कोई बंदे ने मेरे, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और फीस मेरी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो फिर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र नया आया, जब जब नया लेजर आएगा तो क्या करना पड़ता, अल प्लस सी करना पड़ता, ये देख रहे हो अल प्लस सी, नया लेजर आया तो क्रिएट करना पड़ता उसको। ये अल प्लस सी क्या है वो जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो जब और क्लियर हो जाएगा अल प्लस सी क्या है। अभी इसको हेड कौन सा देना है अपने को, बैंक को, बैंक का हेड, बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना, तो उसको बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना है वो, कितनी रिसीव हुई मेरे को ये सेकंड ट्रांजेक्शन में, 8,000 सेकंड ट्रांजेक्शन में 8,000 अभी ये फीस रिसीव है, ये पहले बना दिए ना अपन ने, ये फीस रिसीव, हाँ तो डायरेक्ट इनकम हुई, लेकिन इसको है तो अपन सेलेक्ट करेंगे अब। क्यों? क्योंकि ये पहले अपन ने क्रिएट करे, इसको ये यहाँ पे क्रिएट करे थे, तो अब कार्य क्या करना पड़ता उसको, सेलेक्ट करना पड़ता, क्योंकि वो अपने लिस्ट में आ जाता वो। अभी ये कैसा लिस्ट में आता, सेलेक्ट क्यों बोल रहा मैं, वो प्रैक्टिकल में इजीली अंडरस्टैंड, जितना डेबिट हुआ अकाउंट्स के अंदर उतना क्या करना पड़ता, क्रेडिट करना पड़ता। मेन क्या चीज़ है, थ्योरी समझना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल तो कोई भी कर लेगा, थ्योरेटिकली स्ट्रांग हुए ना तो प्रैक्टिकली ऑटोमेटिकली स्ट्रांग रहते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन, लोन रिसीव, लोन रिसीव हुआ, कोई दोस्त था मेरा उससे मैंने लोन लिया, तो क्या हो रहा कैश मेरे पास, उसने क्या करा बैंक में डाला ना मेरे, देखो तीसरा ट्रांजेक्शन, तीसरा, हाँ थर्ड ट्रांजेक्शन,
लोन रिसीव फ्रॉम रिजवान, तो ये क्या हो रहा, मेरे पास पैसा आ रहा, पैसा मेरे पास आ रहा बोलो, या मेरी एसेट बढ़ रही, एसेट बढ़ती डेबिट से, कोई भी रूल लगा लो, कैश मेरे पास आ रहा, बैंक बैलेंस बोले तो मेरा बढ़ रहा बोले तो, डेबिट वाट कम सीन, ठीक है, तो ये क्या कितना आ रहा मेरे को, 3000 या अब इसको अंडर हेड नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैंने पहले जो इसको ऑलरेडी अंडर हेड यहाँ दे चुका, हाँ अब क्या, हाँ दे दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब इसको खाली सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है वो, ये लोन फ्रॉम रिजवान, तो ये मेरा दो टाइप के लोन रहते, मतलब एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। जैसा मैंने अपन ने बैंक से लोन लिए और उस पर कुछ सिक्योरिटी रख के लोन लिए, तो वो सिक्योर्ड लोन हो गया। और अगर मैं कोई दोस्त से, मेरे रिलेटिव से, ये फ्रेंड रिलेटिव लिखा मैंने, तो कि उनसे अगर मैं ले रहा हूँ तो वो अनसिक्योर्ड लोन में जाता, कहाँ जाता, अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट, उसने मेरे को मोहब्बत मोहब्बत में दे दिया लोन। अच्छा, अनसिक्योर्ड, कोई सिक्योरिटी थोड़ी रखते अपन। अच्छा, एक दोस्ताने में समझो, कितने का लिया अपन ने, 3000 का, 3000 लिख लिया मैंने यहाँ पे, 3000 जितना डेबिट हो रहा उतना क्या होना, क्रेडिट होना, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, सेल मोबाइल, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेल मोबाइल की, अपन ने मोबाइल का बिजनेस है, गुड्स मतलब क्या, मोबाइल का उसका बिजनेस है, तो और उसने क्या करा, राम को सेल करा कैश में, लेकिन जब कैश भी आया और पार्टी का नाम आया तो कैश का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है, कैश में ट्रांजेक्शन हुआ, कैश को तो अपन सेलेक्ट ही करते, तो मैं ऐसे लिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, टू गुड्स सेल मोबाइल, सेल गुड्स, हाँ सेल करें तो, नहीं सेल को है तो सेल अकाउंट देते, कभी सेल को क्या करने का, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट में डाल, हाँ सेल हुआ तो सेल अकाउंट, कितने का सेल करे अपन ने मोबाइल, ये मोबाइल है 12000 का, 12000 का मोबाइल अपन ने सेल किया, यहाँ पे डेबिट ले लिया मैंने और ये भी क्रेडिट ले लिया, ठीक है। तो ये अपने हो गए चार ट्रांजेक्शन। अब मैं चार को क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली इसको अपन कैसा करते देखेंगे। यहाँ पर आ गया मैं, टैली ओपन है, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर में जाते अपन, ये अकाउंटिंग वाउचर में गया, यहाँ पे नहीं, सबसे पहले एकदम सिस्टमेटिक, कैसा सिस्टमेटिक, ये इसके हिसाब से, पहली क्या है, F2 है अपना, F2 है, डेट F2 है, तो यहाँ मैंने एक आठ ले लिया, वो ईयर खुद ब खुद लेता टैली। अब उसके बाद कौन सा अपना टेबल, फंक्शन की, उसके बाद फंक्शन की का कॉलम है, तो F6 दबाया मैंने यहाँ पर, F6 देखो ये रिसिप्ट आ गया, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट आ गया, ऊपर दिखेगा रेड में जो दिख रहा ना ऊपर, रिसिप्ट है, रिसिप्ट है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा पहले, वो कैश बोल, कैश ये डेबिट है पहले, लेकिन वहाँ क्या पूछ रहा, क्रेडिट पूछ रहा पहले, तो अपने को जो क्रेडिट है वो लेना पड़ता, उल्टा रिसिप्ट के अंदर उल्टा पूछता हूँ, तो क्रेडिट क्या है अपने पास, फीस रिसीव है, फीस रिसीव अकाउंट, तो यहाँ मैंने अभी यहाँ अल प्लस सी करना पड़ता, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये ब्लैक लाइन में आके अल प्लस सी, फीस रिसीव का एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं अपन, उसको अंडर हेड क्या दे रहे हैं, ये अंडर हेड का क्या मतलब, वो डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम होगा, ये डायरेक्ट इनकम, तो यहाँ मैं ले रहा हूँ उसका डायरेक्ट इनकम, यहाँ मैंने यहाँ पे आए आ भी जाता हूँ, अगर अपन डायरेक्ट भी डालें ना, यहाँ आया मैं, अगर मैं डी भी दबाया तो डी के पूरे आ जाते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट इनकम ले लूँगा मैं, आगे बढ़ जाऊँगा, अभी कुछ नहीं करना है इसको, इसको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आ गया मैं, फ़ीस रिसीव, कितनी की फ़ीस रिसीव हुई थी, 5000 की, ये 5000 रुपये, तो मैं यहाँ पे 5000 ले रहा हूँ। अब देखो डेबिट क्या था, यहाँ पे कैश था, डेबिट क्या था, कैश था यहाँ पर, ये कैश ले लिया मैंने, ठीक है, नरेशन में लिखना है तो लिख सकते, फ़ीस रिसीव जो भी बंदा है जिससे भी अपने को रिसीव हुआ, ठीक है, ये हो गई एक एंट्री। ऐसी क्या करना है, दूसरी एंट्री, सेकंड एंट्री, अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पैसा आया, ठीक है, मैं क्रेडिट में आया, फिर से मैंने एफ, वो डेट का तो रिसीव अकाउंट पे जाना, हाँ तो पहला क्या था अपना F2 था, F2 से क्या होता है डेट होती है, तो दो आठ है ना डेट, डेट ले लिए, फंक्शन की क्या F6 है, उसके बाद क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, डेबिट में गया है बैंक ऑफ, क्रेडिट में गया है फीस रिसीव, यहाँ पे क्रेडिट पूछा पहले उसने, अल सी नहीं करने का, ये पहले लेजर क्रिएट हो गया अपना, तो F दबा रहा मैं यहाँ पे, ये देखो पहले ऑलरेडी है, इसका ही मतलब क्या है, ये सेलेक्ट है, इसका मतलब क्या है, ये सेलेक्ट, हाँ ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। फीस रिसीव कितने का है, वो 8000 का, मैंने यहाँ 8000 लिया, और पैसा आया कैसा,
पैसा कैसा आया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। डेबिट क्या हुआ? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी ये नया लेजर है, पहली बार आया, फर्स्ट टाइम आया ना, तो इसको एल प्लस सी। तो क्या करना पड़ेगा? एल प्लस सी किया मैंने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसको फिर बी दबाया मैंने यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ये हो गया। ये एंटर एंटर मारे, इसको एंटर कर लिए 8000। देखो डेबिट डेबिट क्या हुआ? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और क्रेडिट क्या हो गया? फीस रिसीव हो गई। ठीक है, अभी तीसरी एंट्री, थर्ड एंट्री। डेबिट क्या हुआ? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन क्रेडिट क्या हुआ? लोन फ्रॉम रिजवान। फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नया है ना, लोन फ्रॉम रिजवान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो नया आया तो क्रिएट एल प्लस सी, लोन फ्रॉम रिजवान। और उसको हेड क्या बोले अपन? अंडर हेड अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। यहाँ पे मैं यू दबा रहा हूँ, यू प्रेस करे तो अनसिक्योर्ड लोन आ गया। ठीक है, कितने का अनसिक्योर्ड लोन? 3000 का, 3000 ये ले लिया अपन ने। और डेबिट में क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक नया नहीं आया है पहले से, ये देखो ये देखो ये पूरे अपने पास क्रिएट है, ऑलरेडी है। मैंने यहाँ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया। ठीक, ये हो गई अपनी तीसरी एंट्री, थर्ड एंट्री। अब फोर्थ एंट्री, फोर्थ क्या है? कैश अकाउंट 3160 को ही। ठीक है, 3160 ले लिए यहाँ से F2 करके। ठीक है, अभी क्रेडिट, क्रेडिट में क्या है? सेल गुड्स है, क्योंकि यहाँ उल्टा पूछ रहा ना, अल सी दबाना। हाँ, अल प्लस सी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि नया है, नया अकाउंट, नया है तो अल प्लस सी। नया अकाउंट का नाम है सेल मोबाइल, इससे पहले कभी नहीं आया था। सेल अकाउंट ले लिए यहाँ पर। ठीक है, GST अभी नहीं है उस पर, तो अपन यहाँ से उसको नॉट एप्लीकेबल बोल सकते हैं। अगर GST अभी तो आगे ट्रांजेक्शन, अभी तो अपन बेसिक कोर्स में है ना। हाँ हाँ, एडवांस में आएगा जब मैं बताऊँ। GST अलग हो जाएगा। हाँ, तो ये कितने का सेल करे अपन ने? 12,000। सेल मोबाइल का इससे मतलब सेल का ऐसा ट्रांजेक्शन है कैश में, वो रिसिप्ट में भी होता और F8 की फंक्शन की वो सेल में भी होता। ठीक है, दोनों जगह कर सकते हैं अपन, वो आगे की फंक्शन की है अपनी। हाँ, आगे का पार्ट है अपना ये कैश, कैश क्या है अपने? कैश ले लिया अपन ने 12,000। ये हो गया ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसा करना है। ओके, समझा? हैव अ नाइस डे। ठीक है, ये एस्केप से बाहर आ जाना है, फिर इसको एंटर मार के एस्केप से बाहर करें, एंटर मारे तो क्लोज। क्या अकाउंटिंग कर लिया अपन ने, जनरल एंट्रीज पास कर लिए। ये क्या था अपना? पार्ट वन है, ये पार्ट वन है। एक मिनट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पार्ट वन। ये उसके ट्रांजैक्शन, इसकी जनरल एंट्रीज पास कर लिए ना अपन ने। अब इसका बैलेंस शीट में कैसा रिफ्लेक्शन बता रहा है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ से कहाँ जाना है? बैलेंस शीट में गया मैं, ये देखो बैलेंस शीट में अनसिक्योर्ड लोन लिया अपन ने, किससे लिए थे? रिजवान से। एंटर पास करे तो आगे जाते, ये लोन फ्रॉम रिजवान दिख रहा है 3000 का। हाँ, मैं स्केप से पीछे आ रहा हूँ, उसके बाद ये कैश में जितना है, कैश और बैंक में, तो वो एंटर मारे तो कैश में इतना इतना है बता रहा है, बैंक में इतना है, बैंक से अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा हूँ, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में गए तो देखो सेल कितने का हुआ, सेल अकाउंट में चले गए 12,000, और फीस रिसीव इतनी हुई 13,000। ये बैलेंस शीट में क्या हो रहा, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में उसका रिफ्लेक्शन बता रहा है। ठीक है, और अंदर गए, और अंदर गए, ये अपन ने जनरल एंट्री पास करे थे। ठीक है, फीस रिसीव हुई और एंटर प्रेस किया मैंने, दो कैश से कितना हुआ 5000 और बैंक से कितना हुआ 8000, बस इतना ये था। ठीक है, इस्केप की एंटर प्रेस इस्केप मारे तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे।